सुप्रभात दोस्तों। पिछले 4-5 दिनों से जिम मिस कर रहा था मैं। उसके बाद में सारे सप्लीमेंट, मतलब जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है ना तो दिन भी अच्छा जाता है। सप्लीमेंट वगैरह सारे टाइम टू टाइम लिए जाते हैं, बट ये लास्ट के 4-5 दिन थे तो कोई भी सप्लीमेंट मैंने नहीं लिया और जिम भी नहीं गया। तो आज मेरा छुट्टियों के बाद में आज पहला दिन है, और जब भी ऐसा गैप होता है ना तो 1 वीक काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है वर्कआउट को लेके। वर्कआउट के बाद की सोरनेस, सारे कुछ बातें, लाइन पर आने के लिए और पटरी पर आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट गैप हो जाने के बाद में वापस जिम ज्वाइन करना ये बहुत बड़ी बात है। मेरा 4-5 दिन का गैप हुआ था अभी दिवाली की छुट्टियों की वजह से, और उससे पहले 1 वीक में रेगुलर गया था, और उससे पहले 1 वीक का कंप्लीट गैप हुआ था जो मैं पैदल सप्तश्रृंगीगढ़ गया था। तो ऐसा कुछ है, बट वापस जिम ज्वाइन करना, जिम जाना ये काफी बड़ी बात है। बाकी सारी चीजें हम सॉर्ट आउट कर लेंगे आगे जाके। तो आज मैं करूंगा ट्राइसेप और लेग वर्कआउट, तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। बारबेल स्क्वाट स्क्वाट मशीन पे कर रहा हूँ और नीचे मैंने बेंच रख दिया है। ये तो एकदम इजी से आ जाता है, बट इससे भी थोड़ा नीचे मुझे और कुछ स्टूल वगैरह का इंतजाम करना पड़ेगा। लेग प्रेस है, मशीन हमारी थोड़ी सी जाम है इसीलिए सही फॉर्म से नहीं लग पाता है, बट हफ्ते में एक बार ये मैं कर लेता हूँ। ये इस तरह से हो गया हमारा लेग प्रेस। लंजेस जो डंबल से करता हूँ, शूज पहने हैं इस वजह से बहुत ज्यादा ऊंचाई हो गई है, बट फिर भी हमने लास्ट सेट किया 30-30 kg के डंबल से 24 रैप अल्टरनेटिव लेग से। ये रहा हमारा लेग कर्ल मशीन से, लेग कर्ल कहते हैं या लेग से लेग कर्ल ही कहते हैं शायद इसे। पहने हैं और ये वेट है।